तीन तलाक विधेयक, एक ऐसा विधेयक जिस पर जमकर हंगामा हुआ, जिसको लेकर खूब चुनाव प्रचार हुए। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर तीन तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इसी तीन तलाक को आधार बनाकर मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं की हितैषी होने का ढोल पीट रही है, लिहाजा इसी विधेयक को इस मानसून सत्र में पास करने की पूरी तैयारी है। लेकिन मोदी सरकार की तैयारी के खिलाफ विपक्षी तो विपक्षी बल्कि सहयोगी भी विरोध में खड़े हैं। इस बारे में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी लॉ कमीशन के चेयरमैन को पत्र के द्वारा अपनी राय और पार्टी की राय बता चुके हैं कि सुधार हों लेकिन सबकी सहमति पर हों। अल्पसंख्यक का मामला है इसलिए किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। केसी त्यागी से पहले श्याम रजक और खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह चुके हैं कि राज्यसभा में वो तीन तलाक का विरोध करेंगे। जेडीयू से पहले कांग्रेस भी तीन तलाक का विरोध कर रही है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर ट्रिपल तलाक नाम की कोई चीज दुनिया में अब रह नहीं गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। उस पर अगर कोई आए तो सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, सुझाव लेने चाहिए और बेहतर ये होगा कि ऐसे बिल को सर्वसम्मत से लाया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन मोदी सरकार के मंत्रियों को भरोसा है कि अब की बार मानसून सत्र में तीन तलाक विधेयक पास हो जाएगा। देखिए, आने दीजिए राज्यसभा में, आपको पता लग जाएगा कौन सपोर्ट करेगा कौन अपोज करेगा। जो ट्रिपल तलाक है वो शुद्ध रूप से सामाजिक बुराइयों को प्रथा से जुड़ा हुआ बिल है, उसके खात्मे के संबंध में ये बिल है। जहाँ तक सवाल है कौन उसका समर्थन करेगा कौन विरोध करेगा, ये तो फ्लोर में पता लगेगा। मोदी सरकार को यकीन है कि इस बार राज्यसभा में बहुमत ना होने के बावजूद तीन तलाक बिल वो पास करा लेंगे। आपको बता दें कि तीन तलाक विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे पास कराने के लिए मोदी सरकार लंबे अरसे से कोशिश कर रही है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में तीन तलाक बिल लाया गया था मगर ये राज्यसभा में पास नहीं हो सका। अब देखना ये होगा कि इस बार मोदी सरकार क्या इस विधेयक को पास करा पाएगी या नहीं। दिल्ली से अशोक सिंघल।